बुलंदशहर पुलिस की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए बुलंदशहर अपर न्यायाधीश प्रथम ने बुलंदशहर CAA हिंसा के 13 आरोपियों को जमानत दे दी। बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज कर 27 नामजद और 800 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस की ढीली कार्रवाई का लाभ उठाते हुए आरोपियों को जमानत मिल गई। 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद CAA को लेकर बुलंदशहर नगर कोतवाली के मोहल्ला ऊपर कोट पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसा हुई थी। बलवाइयों ने कोतवाली पुलिस की जीप और बाइक को आग के हवाले कर दिया और हैंडसेट को भी छीन लिया था। हिंसा में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी काफी चोटें आई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए और 13 लोगों को आनन फानन में जेल भेज दिया। बताया गया है कि पुलिस कोर्ट में CCTV फुटेज समेत कोई भी पुख्ता एविडेंस उपलब्ध नहीं करा सकी। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने सलीम, राशिद, आस मोहम्मद, जहीर, फरमान, अकरम और यूसुफ समेत 13 आरोपियों को जमानत दे दी। सभी आरोपियों से 50,000 का निजी मुचलका भरवाया गया। एक यूसुफ मुलजिम की बेल हो चुकी है जो बाहर आ चुका है, बाकी के अभी 12 लोग जेल में हैं जिनकी भी बेल हो चुकी है मगर उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। अच्छा, तो कोर्ट ने किस आधार पर बिल दी और क्या आधार माना है इनकी बिल देने का? कोर्ट ने ये आधार माना है कि जो घटना दिखाई है वो 8 किलोमीटर दूरी पर है गाँव नीमखेड़ा, वहाँ से जो मुलजिम भेजे गए नीमखेड़ा गाँव से, इतना मुश्किल है इतनी दूर आना, एक साथ ही आना, और वो भी जो एज जो लोग हैं उनकी एज भी काफी ज्यादा है, 55 साल के लोग हैं और ये आधार मानते हुए कोर्ट ने इनको बेल। बाकी लोग कब तक बाहर आ जाएंगे? जो एक दो दिन में आ जाएंगे। अधिवक्ता डॉक्टर पूनम यादव का कहना है कि एक आरोपी यूसुफ जेल से बाहर आ चुका है जबकि 12 आरोपियों के जमानत संबंधी दस्तावेजों की जांच चल रही है। दस्तावेजों की जांच होते ही एक दो दिन में वो भी जेल से बाहर आ जाएंगे। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। कारण ये था, मैं तो घर पे नहीं था, हमारा दामाद लड़की को लेकर आया हमारी को घर पे होने के टाइम, शाम के टाइम, तो रात को पुलिस ने दाबिश मारी तो भीड़ लगा हुआ था और छत को पकड़ चढ़ के रही है, हमारी मम्मी को तोड़ के रही है, अंदर घुस के शीशा तोड़ा और फिर हमारे दामाद को मारा, हमें दामाद को लेकर उठा गया, बोले कि ऐसा है कि दामाद को छोड़ देंगे, हमें उसको हाजिर कर दियो। मैंने कहा अच्छी, और उन्होंने कहीं बोले, मुझे पता लगा ऐसे से बात है, मैं आया, बोले कि मैं गया वहाँ थाने, मुझे वहाँ हाजिर कर दिया, दामाद को छोड़ा, दामाद को बहुत मारा, फिर वहाँ से मैं जो है पूछा, उनसे पूछ रहा मैंने कि बाबू जी एक बात बताओ, हमें किस बिना पे लाओ, क्या कसूर है हमारा, कोई कसूर भी तो बताओ, बोले कि सब पता लग जाएगा, किस कसूर पर लाया, हमने हाथ तलक के जोड़े, बोले कि अच्छा हमें मारी पीटी भी, बोले कि ऐसा है कि ऊपर कोर तुम दंगे में गए, मैंने कि नहीं बाबू जी हम नहीं गए, हमें पता नहीं, हमारे तो यहाँ धड़ में दर्द रहता, हम तो दर्द से परेशान है, चला ही नहीं जाता था, हम कैसे जाएंगे इस जगह। जमानत पर जेल से छूटे यूसुफ का कहना है कि वो हिंसा में शामिल नहीं था। पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।